गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर वन। और आज का हमारा टॉपिक है लिम्फैटिक सिस्टम। देखिए मैं इसे आपको पॉइंटों से एक्सप्लेन करूंगी जिससे ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा। इस सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स का लिम्फ, एक सिस्टम टिनी ट्यूब्स का जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो आपके किसके अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो आपका ट्रांसपोर्ट करता है लिक्विड, और उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक, तो इसे ही हम बोलते हैं आपका लिम्फेटिक सिस्टम। जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो कंटेन करता है आपके फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर वन लिम्फ कैपिलरीज, नंबर टू लार्ज लिम्फ वेसल्स, नंबर थ्री लिम्फ नोड्स, नंबर फोर है आपका लिम्फ। देखिए लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं आपके टिनी ट्यूब्स होती हैं, जो आपकी प्रेजेंट होती हैं होल बॉडी में। किस में प्रेजेंट होती हैं, सारी बॉडी में। लिम्फ कैपिलरीज हावर डिफर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, ये जो हैं आपकी लिम्फ कैपिलरीज जो हैं आपके ब्लड कैपिलरीज से डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ। अब ये जो आपकी लिम्फ कैपिलरीज हैं ये आपकी क्या होंगी, ज्वाइन होंगी और आपकी फॉर्म करेंगी लार्ज लिम्फ वेसल्स। क्या फॉर्म करेंगी, आपके लार्ज लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स, और आप क्या रखेंगी, हैव लिम्फ नोड्स एट इंटरवल। द लिम्फ नोड्स कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट, जो आपकी लिम्फ नोड्स है वो कंटेन करेंगी आपके क्या, स्पेशल टाइप की सेल जिसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। अब देखते हैं हम कि लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है। लिम्फ नोड्स कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग ऑफ लिम्फ, ये आपका इन्वॉल्व होता है क्लीनिंग ऑफ लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ये क्या करता है, क्लीनिंग करता है आपकी लिम्फ और आपकी क्या, प्रोटेक्ट करता है किसको, बॉडी को फ्रॉम डिजीज, ताकि कोई बीमारी ना हो। तो ये आपका मेन क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और आपका क्या करता है, क्लीनिंग करता है आपके लिम्फ। लिम्फ अब बात करते हैं लिम्फ होता क्या है। लिम्फ जो है आपका लाइट येलो कलर का होता है, ये रेड कलर का नहीं होता जैसे कि आपका ब्लड होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। लिम्फ इज ए लाइट येलो लिक्विड विच इज समवर्ट सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। लिम्फ इज नॉट रेड लाइक ब्लड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल्स। लिम्फ कंटेन लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल एंड डाइजेस्टेड फूड, जो आपका लिम्फ है वो कंटेन करता है आपके क्या, डाइजेस्टेड फूड और आपका क्या, प्रोटीन। आपका लार्ज प्रोटीन और डाइजेस्टेड फूड जो है आपका लिम्फ कंटेन करता है, ये आपके रेड ब्लड सेल्स कंटेन नहीं करता। तो इसलिए ये आपका रेड कलर का ना होके कैसे कलर का होता है, लाइट येलो लिक्विड होता है। लिम्फ इज इट आल्सो कंटेन जम्स फ्रॉम द सेल्स एंड फ्रेगनेट ऑफ डेड सेल। लिम्फ इज अनोदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए आपका जो है लिम्फ एक अनोदर मीडियम है किसका, सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। बट लिम्फ फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, लेकिन आपका सर्कुलेशन का तो मीडियम है लेकिन ये सिर्फ फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। कहाँ से, बॉडी टिश्यू से आपके हार्ट की तरफ। सिंस लिम्फ इज ड्राइव फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड विच रिमेन आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये आपका लिम्फ जो है आपका ड्राइव करता है टिश्यू से फ्लूइड जो आपका रिमेन होता है किससे, आउटसाइड द सेल, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये आउटसाइड करता है आपके सेल के बाहर क्या करता है, लाई करता है। लिम्फ कंटेन, देखिए आपका जो लिम्फ है वो कंटेन करता है आपकी स्पेशल टाइप की क्या, वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। तो ये स्पेशल क्या कंटेन करता है, स्पेशल टाइप के आपके वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और उसका काम होता है हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज, जो आपकी हेल्प करता है, फाइट करता है किससे, इन्फेक्शन से और डिजीज से। इन्फेक्शन आएगा आपकी बॉडी के अंदर तो आप बीमार हो जाएंगे, कोई बाहर से बीमारी आती है तो ये उससे लड़ने में आपकी बॉडी की रक्षा करता है, मतलब कि उससे लड़कर आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लिम्फ कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल डाइजेस्टेड फैट, जो आपका लिम्फ है वो कंटेन करता है आपको लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, फ्रैगमेंट, डेड सेल्स, टिश्यू फ्लूइड अराउंड द बॉडी सेल्स सीप इनटू द लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। तो आपका लिम्फ जो है कंटेन करता है डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, फ्रैगमेंट, डेड सेल्स फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड अराउंड द
बॉडी। इन द लिम्फ नोड्स लिम्फ इज क्लीन बाय व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट। जो आपका लिम्फ नोड्स है, लिम्फ जो आपकी क्लीन होता है वो होता है आपका लिम्फोसाइट। सो लिम्फोसाइट्स आपकी क्या थी, एक स्पेशल टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स थी। व्हाइट ब्लड सेल्स ईट द जर्म्स। जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स थी वो क्या करती है, ईट कर लेती है जर्म्स, डेड सेल्स एंड ऑल्सो मेक एंटीबॉडीज। ये क्या कर बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है जिससे रोगों से लड़ने में आपकी बॉडी को सहायता मिलती है। देखिए एंटीबॉडीज बनने से जो आपकी बाहर के जर्म्स और बैक्टीरिया या आपका इन्फेक्शन कोई आता है तो उससे हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्टेड नहीं हो पाती। द क्लीन लिम्फ कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल। जो आपका क्लीन लिम्फ है वो आपका कंटेन करता है लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल, डाइजेस्टिव फैट एंड अदर यूजफुल मटेरियल। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो लिम्फ आपका कंटेन करता है। द लिम्फ वेसल्स टू द लार्ज वेन विच रन जस्ट बिनेट द कोलर बोन। दीज वेन्स कैरी द लिम्फ टू द हार्ट। यही आपकी वेन्स कैरी करती हैं लिम्फ को हार्ट की तरफ। इसके बाद आपका आता है फंक्शन ऑफ लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस। जो आपका लिम्फ है वो आपका पार्ट प्ले करता है किसमें, न्यूट्रिटिव प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इट पुट इन टू द सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल बाय कैरिंग दैम। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भी ये आपका रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, कैरिंग दैम फ्रॉम द टिश्यू इन टू द ब्लड स्ट्रीम। ये टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम की तरफ उन्हें ले जाता है। लिम्फ आल्सो कैरी डाइजेस्टिव फैट फॉर द न्यूट्रिटिव प्रोसेस। ये आपका कैरी करता है क्या, डाइजेस्टिव फैट फॉर न्यूट्रिटिव प्रोसेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका आता है लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी। देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द बॉडी, किलिंग द जर्म्स, किलिंग कर देता है जर्म्स को, ड्रेन आउट ऑफ द बॉडी टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स कंटेनिंग द लिम्फ नोड्स एंड मेकिंग एंटीबॉडी। आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया और डिजीज से आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। लिम्फ हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट। देखिए जो डेड सेल्स होता है ये उन्हें भी बाहर निकाल देता है।